दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता है, बिहार में जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें अभी ये फाइनल डिसाइड नहीं हो पाया है कि बीएड के कैंडिडेट को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। कारण है क्योंकि जब बिहार शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो उसमें ये बात मेंशन नहीं की गई थी कि ये जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया है वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन रहेगी, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया था। इस वजह से जो बिहार स्टेट के जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उन लोगों ने पहले पटना कोर्ट में याचिका दाखिल की क्लेरिफिकेशन के लिए कि जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का वो कब से लागू हुआ। पटना हाई कोर्ट से सेटिस्फाइड ना होने के बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और सुप्रीम कोर्ट में 25 तारीख को ये केस फिल किया गया था। आप अपने स्क्रीन पर डायरी नंबर वगैरह देख पा रहे होंगे और ये केस लिस्ट हो चुका है, ठीक है, वेरीफाई हुआ है 3 तारीख को, आज की तारीख में। और इसकी सुनवाई कब होगी तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, टेंटेटिवली केस में बी लिस्टेड ऑन, तो यहाँ पर 9/10/2023 को अंतिम रूप से इसकी सुनवाई हो सकती है और यहां से क्लियर हो जाएगा कि बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी होगा या नहीं होगा। और इसके बाद जैसा कि आप सबको पता होगा कि 16 तारीख को प्राइमरी के रिजल्ट जारी करने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है, तो देखते हैं क्या होता है इस संबंध में। जैसे ही कोई महत्वपूर्ण अपडेट आएगी 9 तारीख को हम आपको सूचित करेंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कट ऑफ क्या कुछ रह सकता है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कॉमेंट बॉक्स में वीडियो का लिंक है, चेक करिएगा।